नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राकेश सिंह है। आजाद भारत के कश्मीर में पंडितों का नरसंहार एक ऐसा काला अध्याय है जो लोकतंत्र को कमजोर करता है, एक ऐसा सच जिससे देश के लोग 32 साल तक अनभिज्ञ रहे। बुद्धिजीवियों, पत्रकारों से लेकर राजनेताओं तक ने 32 साल पहले पंडितों के उस नरसंहार की सच्चाई को देश के लोगों के सामने आने नहीं दिया। शासन प्रशासन ने पूरी तरह उसे दबाए रखा। बात बात में सेक्युलरिज्म की दुहाई देने वाले लोग ये नैरेटिव करते रहे कि कश्मीरी पंडितों के साथ कोई अमानवीय कृत्य ही नहीं हुआ था। ये वही सेक्युलरिस्ट हैं जो आज भी कहते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं हुआ था। ये वही लोग हैं जो आज भी चीख चीख कर कह रहे हैं किसी बाप के सामने उसके बेटे के 50 टुकड़े करके नहीं फेंका गया था। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि आतंकियों ने कश्मीरी हिंदुओं की महिलाओं का बलात्कार नहीं किया, उन्हें निर्वस्त्र करके नहीं घुमाया। ये वही लोग हैं जो कहते हैं एक महिला को उसके बच्चे के सामने 2 टुकड़ों में नहीं चीरा गया। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो टीवी चैनलों पर बैठकर डिबेट में भाग लेते हैं और कश्मीरी हिंदुओं के दर्द का मजाक बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर उसका मजाक बनाया और उस फिल्म को झूठा करार दिया और कहा कि टैक्स फ्री करना है तो यूट्यूब में क्यों नहीं रिलीज कर दिया जाता कश्मीर फाइल्स, लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर वो अपना विज्ञापन जो टीवी चैनलों को देते हैं वो भी यूट्यूब पर ही चला देते, क्यों दिल्ली की सड़कों पर अपना फोटो लगा बड़े बड़े होर्डिंग लगवाते हैं। 19 जनवरी 1990 को कश्मीर की मस्जिदों से रलिव कलिव या चलिव का नारा लग रहा था, जिसका अर्थ है या तो मुसलमान बन जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। अगर कश्मीर में रहना है, अल्लाहु अकबर कहना है। ऐ जालिमों, ऐ काफिरों, कश्मीर हमारा है, यहाँ क्या चलेगा? निज़ाम मुस्तफ़ा। ये वो नारे थे जो कश्मीर में 80 के दशक में लगने शुरू हो गए थे। ये वो नारे थे जिसे बोल कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की जाती थी, उनका कत्लेआम किया जाता। 1990 के जनवरी में जो पंडितों का नरसंहार हुआ उसकी पृष्ठभूमि एक दिन में नहीं बनी, साजिश रचने का एक लंबा सिलसिला रहा। साल 1990 के दशक में जब कट्टरपंथी और आतंकवादी कश्मीरी पंडितों की हत्या कर रहे थे, लगभग 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन किया था। इसके अलावा उस समय कश्मीरी पंडितों के 32,000 घरों को जला दिया गया था, जिनमें से अधिकतर बाद में कब्जा कर लिया गया और कुछ तो आज भी खंडहर पड़े हैं। लेकिन धारा 370 हटने के बाद, केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद, कश्मीरी पंडितों ने अपनी माटी की ओर लौटना शुरू कर दिया है और अब वो अपने पुराने घरों की मरम्मत करा रहे हैं। साल 1947 में जब देश को आज़ादी मिली थी, उस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की कुल आबादी लगभग 15% थी, लेकिन दंगों और अत्याचारों की वजह से साल 1981 तक ये आबादी घटकर 5% रह गई और अब सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2015 के अनुसार कश्मीर में अब 808 परिवारों के 3,445 कश्मीरी पंडित ही बचे हैं। अब 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने फिर से अपने घरों में लौटने की हिम्मत दिखाई है। आज 32 साल बाद शारिका देवी मंदिर में नवरेह का पर्व मनाया जा रहा है। जिस प्रकार से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर का माहौल बदल रहा है, उससे विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को बल मिल रहा है कि वे फिर से अपनी जन्मभूमि की ओर वापसी कर पाएं। 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने घाटी में हर्षोल्लास के साथ नवरेह का पर्व मनाया। 3 दशक बाद यह पहला मौका था जब कश्मीरी पंडित कश्मीर में नवरेह का पर्व मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर शहर में डल झील के किनारे नवरेह उत्सव मनाया। कश्मीरी पंडित कैलेंडर के अनुसार
नवरे नए साल का पहला दिन है। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों ने माँ शारिका देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। ये मंदिर श्रीनगर के पुराने शहर के मध्य में हरि पर्वत नामक एक पहाड़ी पर स्थित है। नवरेह का पर्व कश्मीरी हिंदुओं का अभिन्न सांस्कृतिक हिस्सा है। नवरेह के लिए सारी तैयारियां कश्मीरी पंडितों की तरफ से काफ़ी दिनों से की जा रही थीं। वहीं इस मौके पर कोई असामाजिक तत्व उनकी खुशी में खलल न पैदा कर सके, इसके लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस समेत सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। हरि पर्वत स्थित शारिका देवी मंदिर में नवरेह के उपलक्ष्य में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसमें शामिल होने के लिए देश भर से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग पहुंचे। घाटी के लोग भी कश्मीरी पंडितों का स्वागत कर रहे थे। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडित वापस आए और उनके साथ मिलकर रहें। वहीं जेके पीस फोरम के चेयरमैन सतीश महलदार ने बताया कि इस कार्यक्रम का मकसद दहशत में घर बार छोड़ने को मजबूर लोगों के लिए सुरक्षा और आत्मसम्मान की भावना जगाना है। इस बार कोशिश है कि सभी धर्मों के लोगों को एक मंच पर लाकर पंडितों की वापसी का माहौल बनाया जाए। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी शारिका मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद शेर कश्मीर पार्क में नवरेह मिलन कार्यक्रम हुआ। घाटी में भाईचारे को बढ़ावा देने के साथ ही पंडितों की सम्मानजनक वापसी की आवाज़ बुलंद की जाएगी। जब कश्मीरी पंडित शारिका मंदिर पहुंचे तो उनमें से कईयों की आंखों में आंसू थे। उनका कहना था कि आज हम विस्थापित होकर कहीं भी चले गए हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमारे प्राण यहीं हैं। हम कश्मीर की अपनी जन्मभूमि से कभी अलग हो ही नहीं सकते। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।